शरीर पर न ट्रैक सूट, न पैर में जूता और न ही लिया कोई प्रशिक्षण, फिर भी फर्राटे से दौड़ती है सिमंती। तभी तो संसाधनों के अभाव के बिना ही सिमंती हवा से बातें करती हुई फतह की वो मुकाम जिसके लिए खिलाड़ियों को मिलता है सधा हुआ प्रशिक्षण, तब जाकर जमीन पर सधते हैं उनके पैर। लेकिन सिमंती ने तो इसके बिना ही कमाल कर दिखाया। पिछले साल मार्च में हुए राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता में सिमंती कुमारी ने 400 मीटर की दौड़ में झारखंड में प्रथम स्थान लाकर सबको चौंका दिया था। हालांकि तब भी गरीब परिवार और अभावग्रस्त इलाके की रहने वाली सिमंती पर किसी का ध्यान नहीं गया था। हाँ, झारखंड सरकार ने सिमंती के प्रोत्साहन के लिए इनाम के रूप में 54,000 रुपये का चेक जरूर दिया था, लेकिन इस रकम को पाने के लिए भी सिमंती और उसके परिजनों को न जाने कितने ही पापड़ बेलने पड़े थे। यह मामला जब मीडिया में आया तब सिमंती भी सुर्खियां में आई और लोग उसकी लगन को जानने समझने लगे। अब उसकी उड़ानों को पंख मिलने लगा है। दरअसल पलामू जिले के पाकी प्रखंड के रतनपुर पंचायत के नक्सल प्रभावित इलाके इरगू में सिमंती कुमारी अपने परिवार के साथ रहती है। अभावग्रस्त संसाधन में भी सिमंती ने झारखंड में अपना परचम लहराया है। इससे पाकी सहित पलामू का मान सम्मान बढ़ा है, जिसके बाद सिमंती को सम्मान देने कई लोग पहुंच रहे हैं और उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मंजुलता सिमंती से मिलकर उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं सिमंती कुमारी से मिलने व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता रामदास साहू के पुत्र अनिल साहू उसके गांव में पहुंचे। सिमंती को ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स जूता और कॉपी किताब के अलावा 5,000 रुपये का सहयोग देकर उसे सम्मानित किया। मगर सम्मान के साथ अनिल साहू ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पलामू की इस उड़न परी को एक भरोसा जरूर दिया है कि आर्थिक अभाव में उसे अब उड़ान भरने में दिक्कत नहीं होगी। इसकी जिम्मेवारी अब आरडीएस परिवार की होगी। थोड़ा हमारे पिताजी नहीं थे, यहाँ पे बाहर थे, हमको लगा पिताजी के लेके साथ जाएंगे, लेकिन पिताजी के क्षेत्र से बाहर रहने के कारण आज हमको फ़ोन किए कि थोड़ा जाइए आप, देखिए बच्चा को, थोड़ा हौसला बढ़ाइए। इसी सब लेके हम बच्चा का जो न्यूज में देखे थे कि अत्यंत थोड़ा मेरा जो हम लोगों को जो बहन हुई मेरी बाकी की ही है सिमंती, हाँ उसी को देख के फिर हम आए फिर बच्चा को हौसला बुलंद किए, बच्चा के कुछ मिठाई किताब कॉपी ये सब सारा चीज़ हौसला बढ़ाने के लिए लाए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मैंने अनुभव महसूस भी हो रहा है कि इतना मैंने थोड़ा घूमने का मौका भी मिला और बच्चे से मिलने का मौका मिला, और इस तरह से हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चा लोग मैंने पढ़ना चाहें और उनको अगर किसी चीज़ का अभाव है उसमें हम लोग हमारे पिताजी समाजसेवी हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के जिस मैंने कोई अगर कोई बच्चा आवे तो उसको हम लोग मैंने पुरस्कृत करें और उसके साथ जो भी हो उसका सहयोग करें, उसको अच्छा जगह हम लोग भेजने का भी कष्ट करेंगे। सिमंती ऐसे गांव से आती है जहां पक्की सड़क तक नहीं है, परिवार को सरकारी सहायता के नाम पर केवल उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सुविधा ही मिली है। सिमंती के पिता सीताराम उरांव खेतीबाड़ी से परिवार चलाते हैं, खेती ही उस परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। पिता को खुशी है कि उसकी बेटी गाँव के साथ राज्य का नाम रोशन कर रही है, लेकिन आर्थिक तंगी कहीं इसकी उड़ान में बाधक न बन जाए इसका मलाल उनके मन में जरूर है। बहुत अच्छा, हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े। सिमंती के पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन अपने लगन के बदौलत वो अब झारखंड एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में दाखिला ले चुकी है। सिमंती की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। कोच आलोक कुमार की निगरानी में सिमंती दौड़ का प्रशिक्षण ले रही है। झारखंड की एक और बेटी खेल जगत में प्रदेश का नाम अग्रसर करने की ओर आगे कदम बढ़ा चुकी है। ऐसे में जरूरत है सरकार और प्रशासन को खुद आगे आकर झारखंड की इस बेटी के लिए कुछ बड़ा करने की, जिससे कि सिमंती के हौसलों को पंख मिले और उसकी उड़ान रुक नहीं पाए। इसके लिए बहुत मेहनत करूंगी, कड़ी से कड़ी मेहनत, और राज्य का नाम रोशन करूंगी और देश का नाम रोशन करूंगी। नेशनल इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ।